नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ ऐसी हरकत की है जिससे सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। दरअसल चीन लगातार पिछले कई महीनों से उकसावे वाली हरकतें कर रहा है, जिसके बाद भारत ने चीन को आड़े हाथ लिया है। एक तरफ चीन भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और दूसरी तरफ भारत पर ही शांति भंग करने का आरोप लगाता है, जिसके बाद भारत ने चीन पर पलटवार करते हुए गुरुवार को कहा कि चीनी सेना के उकसावे वाले बर्ताव और एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश ने शांति को गंभीर रूप से भंग कर दिया है। भारत की ओर से ये प्रतिक्रिया चीन के आरोपों पर दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की है और चीन की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों को उचित जवाब देने के लिए तैनात करना पड़ा। उन्होंने कहा कि चीन के आरोपों में कोई आधार नहीं है और भारत उम्मीद करता है कि चीनी पक्ष द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए शेष मुद्दों को जल्दी हल करने की दिशा में काम करेगा। चीन ने हाल ही में आरोप लगाया है कि दोनों देशों के बीच तनाव का मूल कारण भारत के द्वारा आगे बढ़ने की नीति का अनुसरण करना और चीनी क्षेत्र पर अवैध रूप से अतिक्रमण करना है। इसके जवाब में भारत की प्रतिक्रिया आई। चीन के आरोपों पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बागची ने कहा है कि भारत कुछ दिन पहले ही इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है और ऐसे बयानों को खारिज कर चुका है जिसका कोई आधार नहीं है। चीन की पीएलए के करीब 100 सैनिक एलएसी का उल्लंघन कर पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुस आए थे। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि घटना 30 अगस्त की है और चीनी सैनिक कुछ घंटे बाद वापस लौट गए। आईटीबीपी के जवान इस क्षेत्र में तैनात हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।